हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो का स्टार्ट मैं पूजा करने से कर रही हूँ। ये वाला जो वीडियो क्लिप्स है वो तीज के एक दिन पहले का क्लिप है। मैंने यहाँ पे साड़ी पहना हुआ है क्योंकि आज मुझे नाश्ता वगैरह बनाने के बाद तीज का सामान का तैयारी मतलब शॉपिंग वगैरह करने के लिए मुझे मार्केट जाना है। तो हो सकता है मैं वहाँ का वीडियो ना ले पाऊँ क्योंकि आजकल बेटा जो है मेरा घर पर ही रहता है और वो जो है मेरा मोबाइल हड़प के बैठा रहता है, तो ज़्यादा मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगा पाती। तो इसी वजह से मेरे वीडियोस भी कम आते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही वीडियोस आप देख रहे होंगे कम आते हैं, क्योंकि वो मोबाइल अगर ना दूंगी तो वो बाहर भागने का जिद करता है, तो मोबाइल लेके उसे घर में रोकती हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह उतना नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि अगर मोबाइल ना दूँ तो भाग जाएगा। और बाहर में बहुत ज़्यादा एक मतलब हमारे घर के पास 2-3 कोरोना का मतलब पूरा फैमिली को हो गया है। इसी वजह से मैं उसको बोलती हूँ कि ले भाई तू मोबाइल ही ले और घर पे बैठा रहे, तो इसी वजह से मैं उतना ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना पाती हूँ। फिर भी अभी सुबह का टाइम है तो अभी वो सो रहा है, तो मैंने इस क्लिप को शूट किया है। और आगे भी मैं कंटिन्यू मतलब एक लगातार से वीडियो नहीं कर पाऊँगी, लॉकडाउन तक ऐसा ही चलता रहेगा और लॉकडाउन के बाद थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो अब मेरा पूजा वगैरह कंप्लीट हो चुका है और पूजा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा मंदिर दिखा रही हूँ। तो पिछली बार जब मैंने अपना मंदिर का वीडियो शेयर किया था तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि ऐसी हालत क्यों है मंदिर का, ऐसी हालत क्यों है मंदिर का, आप रूम में क्यों नहीं रखते मंदिर। तो कहीं भी नहीं रख सकते ना हम लोग मंदिर को मतलब दिशा के हिसाब से रखना पड़ता है, उत्तर और पूर्व कोण में, उत्तर पूर्व के तरफ कोण के अंदर रखना पड़ता है, ईशान कोण जिसको बोला जाता है उधर रखना होता है। तो इस पूरे घर में मतलब किचन के पास हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है, कब कहाँ पे क्या खा के मतलब रहें, और बेडरूम में तो पूजा आसन पड़ता ही नहीं है, इसीलिए इस जगह। और काफ़ी सारे लोग मुझे इस रॉड को, जो रॉड वगैरह पीछे की तरफ निकला हुआ है, उसके लिए कमेंट कर रहे थे। तो मुझे पता है आप मेरी चिंता कर रहे हो, इसीलिए आप मुझे बोल रहे हो कि यहाँ पे बहुत रिस्क है, पर हमारा घर अभी ऊपर की तरफ बनना बाकी है। पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में मैं दाल का जो पीठा होता है, दाल भरा हुआ पीठा, दल पिट्ठी नहीं, दाल भरा हुआ पीठा, वो बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। मेरे पास मोमो का स्टैंड नहीं है, नहीं तो उसमें बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर मैं बॉयल करके बनाने वाली हूँ। तो एक तरफ चाय, एक तरफ दूध मैंने ये सब रखा हुआ है। और तब तक मैं हाथों हाथ दिखा देती हूँ कि मैंने किचन में कहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो गैस के नीचे का फर्स्ट ड्रॉअर में मैंने सारे जो भी लेडर्स वगैरह होता है, चम्मच वगैरह होते हैं, वो रखा हुआ है। और दूसरे में मैंने जो भी एक्स्ट्रा सामान जैसे कि कप, ग्लास और जो भी मेरे मतलब चॉपर वगैरह थे वो रखा हुआ है। और तीसरे में जो थाली वगैरह रखा जाता है वही रखा हुआ है मैंने। ये गैस के सिलेंडर वाला जो कैबिनेट था, इसके अंदर की तरफ सिलेंडर है। और यहाँ पे मेरे पास जो प्लास्टिक का रैक था उसमें मैंने एक पार्ट निकाल के वहाँ पे एडजस्ट कराया हुआ है। उसमें मैंने जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो रखती हूँ। और यहाँ पे भी मैं बर्तन ही रखती हूँ, अभी मैंने निकाल लिया है, जैसे कि प्रेशर कुकर, दूध का बर्तन, चाय का बर्तन वहीं पर रखी थी। और इस तरफ मैं जितने भी तवा वगैरह है वो ग्रीन कलर का जो बास्केट था उसी का एक पार्ट को यहाँ पर मैंने एडजस्ट करके वहाँ पर सारे तवे वगैरह रख दिए हैं। और इस तरफ मैं जो भी धुले हुए बर्तन होते हैं वो रखती हूँ, क्योंकि मेरे स्लैब के ऊपर उतना ज़्यादा जगह नहीं है। अब मैं ऊपर का कैबिनेट दिखा देती हूँ। ये ऊपर की तरफ का फर्स्ट कैबिनेट है। तो इसके एक तरफ मैंने सारे ऑयल्स वगैरह रखे हुए हैं, बीच में मैंने मसाला रखा हुआ है, और एक तरफ मैंने चाय से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं वो रखे हुए हैं। और ऊपर की तरफ जो ज़रूरी नहीं होते, पापड़, सेवैया, ये सब रखा हुआ है। तो इस कैबिनेट में मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा है, इतना ही रखा है अभी। और ये वाला गैस के पास जो कैबिनेट बना हुआ है वो है, उसमें मैंने सारे दाल वगैरह रखा हुआ है, दाल, नमक, जो भी मतलब खाना बनाने टाइम मुझे ज़रूरत का सामान होता है वो मैंने नीचे की तरफ के शेल्फ्स में रखा हुआ है दोनों तरफ। और ऊपर की तरफ जो भी मुझे ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, और एक्स्ट्रा जो भी ग्रॉसरी वगैरह होते हैं वो रखा हुआ है। ये वाला जो मैंने किचन के बाहर की तरफ कैबिनेट बनवाया था, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कपड़े भी रखने के लिए बनवा रही हूँ, अलने का कपड़ा दिखते रहता है,
तो एक तरफ मेरे पास चावल और आटा रखने का जगह नहीं था, तो मैंने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं तो यहीं पे मैंने रखा हुआ है। और आप देख ही रहे हैं मैंने कुछ भी नया नहीं ख़रीदा हुआ है। अभी टाइम है, मैं धीरे धीरे करके सब कुछ धीरे धीरे ख़रीदूँगी, क्योंकि घर बनाने के बाद लॉकडाउन की वजह से सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, धीरे धीरे हो सकता है। तो ये सारे कपड़े जो है डेली यूज़ के कपड़े हैं जो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। नीचे की तरफ मेरे बेटे का कपड़ा और कुछ मेरे पर्सनल यूज़ के सामान हैं, हस्बैंड के पर्सनल, और एक तरफ मैंने अपने जितने भी कुर्ती लेगिंग्स वगैरह है वो रखा है। बीच में मैंने हस्बैंड का कपड़ा रखा हुआ है और एक साइड में मैंने नीचे की तरफ साड़ियाँ, मैं बहुत कम पहनती हूँ तो नीचे की तरफ मैंने साड़ियों को रखा हुआ है, और बिस्तर के चादर वगैरह हैं, टॉवल्स वगैरह हैं, और बाकी सब हस्बैंड का कपड़े ही हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इतना रखा हुआ है, और अलना वगैरह मैंने खाली कर दिया है, तो एक तरफ वो सब भी रखे हुए हैं। उन सबको मुझे ले जा के छत के ऊपर रखना है, क्योंकि अभी बहुत बुरा लग रहा है खाली अलना देखने में, तो ये सब ऊपर रखना। ये ऊपर की तरफ कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं जो जिसमें मैंने प्याज लहसुन भी मतलब कभी नहीं बनाया है, एक पूजा के बर्तन जैसा ही है, तो कभी उपवास वगैरह करूँगी तो इसी बर्तन में बनाने के लिए मैंने अलग से बर्तन रखा हुआ है। और नीचे वाला कैबिनेट में मैंने मिक्सी रखा हुआ है। और इधर नाश्ते के लिए जो मैं दाल का पीठा बनाने वाली थी वो बन के रेडी हो चुके हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बॉयल हो रहे हैं, और कुछ भर के मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और साथ के साथ मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट करके शॉपिंग के लिए जाना है। मैं शॉपिंग का वीडियो ऐड नहीं करवाऊँगी, डायरेक्टली मैं तीज के दिन से फिर वीडियो को स्टार्ट करूँगी, तो इसके लिए बुरा मत मानिएगा, मैं सब कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ, मोबाइल मेरे पास एक ही है और बेटे की वजह से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 11:30, और अभी मैं थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा रेडी हो गई हूँ। मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि आज तीज है, और तीज में मैंने ये येलो कलर का साड़ी लिया था, तो उसी के साथ जो भी गोल्ड वगैरह का सामान सेट है उसको देखे कुछ कुछ गोल्ड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है तीज, और इस ब्लॉग को मैं अभी मॉर्निंग टाइम 11:30 हो रहा है तो मॉर्निंग ही है, अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने ये येलो कलर का साड़ी लिया था तीज के लिए, और उसी के साथ मैं रेडी हुई हूँ। तो अब मैं जा रही थी उस घर पे, उसी घर पे पूजा होने वाला है, सारा सब कुछ वहीं पे सामान वगैरह है। तो हस्बैंड आ गए, बेल का आवाज़ सुना होगा आपने, तो मैं आपको वहाँ पे जाके बात करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपने इस वाले घर पे, और यहीं पे पूजा होना है, तो पीछे मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं पूजा की, और मेरी भाभी ने सब कुछ तैयारी वगैरह करके रखा हुआ है, बस अब पंडित जी आने का वेट है, और उसके बाद सब कुछ मतलब सब कुछ रेडी है, बस पंडित जी आने का वेट है। बड़ी भाभी आएगी, मेरी भाभी ननद की बहू आएगी, तो सब हम सब यहीं पर आके पूजा वगैरह करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ तैयारी। यहाँ पे सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, बस पंडित जी आने का वेट है, उन्होंने सारी तैयारियाँ पहले से करके रखा हुआ है। मैं भी अपना सामान शॉपिंग वगैरह करने के बाद यहीं पे छोड़ के चली गई थी, और उन्होंने सारी तैयारियाँ करके रखा हुआ है। वहाँ से मेरे इस घर से वो घर काफ़ी दूरी है काफ़ी, तो इसी वजह से मुझे यहाँ से ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती, तो इसी वजह से मैंने वहीं पर छोड़ दिया है। तो अब बस पंडित जी आने का वेट करना है, और सारा तैयारियाँ तो कम्प्लीट है ही। तो अब मैं घर वापस आ चुकी हूँ, मैं चेंज करने जा रही थी, तो मुझे याद आया कि मैंने इस ब्लॉग को एंड ही नहीं किया है, और इस वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा मतलब शूट नहीं कर पाई हूँ, वहाँ पे कोई भी नहीं था कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर दे, और मैं पूजा में बिजी थी। तो ये जो ब्लॉग है मेरा दो दिन का मिला हुआ ब्लॉग जाएगा, जिस दिन मैं मतलब मार्केट वगैरह करने गई थी, और थोड़ा सा किचन वगैरह दिखाया है, और लास्ट में मैं इस वीडियो को मैंने इस क्लिप को ऐड कर दूँगी तीज वाला। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लास्ट में मैं तीज के कुछ फोटोज शेयर कर रही हूँ, होप आपको अच्छा लगेगा। Through the highway.
till my shadow turns to sun rays. And through the highways, till my shadow turns to sun rays.